तो फ्रेंड कई बार आप तो वीडियो बनाते हैं उसका बैकग्राउंड चेंज करने की जरूरत पड़ता है, चाहे आप टिकटॉक के लिए बनाए चाहे यूट्यूब के लिए बनाते हैं, कई बार आप लोगों को बैकग्राउंड अट्रैक्टिव वीडियो बनाने के लिए चेंज करना पड़ता है। तो कैसे आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, टोटल मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कहाँ से वीडियो उठाएंगे कि आपको यूट्यूब में कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। फ्रेंड तो आपको टोटल प्रोसेस बताने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। फ्रेंड तो लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो पूरा आप वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए बैकग्राउंड के लिए वीडियो चाहिए तो हजारों की संख्या में वीडियो मिल जाएंगे, वो भी नॉन कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट नहीं आते। फ्रेंड आप लोग को ले चलता है यूट्यूब में चले जाना है, यूट्यूब से ही मिल जाएगा, कॉपीराइट नहीं आते। फ्रेंड आपको यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ सर्च कर लेना है मैं NCS मैजिकल बैकग्राउंड वीडियो। जब सर्च करेंगे तो हजारों की संख्या में, एक दो नहीं फ्रेंड, हजारों की संख्या में आप लोगों को बैकग्राउंड के लिए वीडियो मिल जाते हैं। फ्रेंड आप यहां पर चले जाइएगा, जो भी वीडियो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद से जिस वीडियो को आपको पसंद आता है, जो वीडियो लगाना है आपको बैकग्राउंड में, यहाँ पर आए और उसके बाद से इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, दो तीन वीडियो, चार वीडियो, जो भी आपको अच्छा वीडियो पसंद आते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा बैकग्राउंड के लिए। अपना वीडियो जो शूट करना है, जो अपना वीडियो आप शूट करना है, पीछे हरा पर्दा लगा दीजिएगा ताकि उससे मैच हो, जो भी वीडियो आप बनाए हैं वो बैकग्राउंड के साथ अच्छा से मैच हो जाता है, हरा पर्दा रहेगा। तो जब अपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, आपने बैकग्राउंड के लिए वीडियो ले लिया, अब क्या करना है, इसको आपको एडिट करके मिलाना है। कैसे मिलाना है, मेरे पास VN ऐप में, VN में बताऊँगा, आपके पास काइन मास्टर है, जो भी ऐप यूज करते हैं उसी से हो जाएगा फ्रेंड, ईजिली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर ऐप में मिल जाएगा। मैं VN में बदले चल के बताता हूँ कैसे आपको एडिट करना है VN से। आप VN में जाने के बाद आपको प्लस में चले जाना है फ्रेंड, प्लस में जाने के बाद आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद जो भी वीडियो आपने डाउनलोड किया अभी उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो लिए हुए हैं, मैं इस वीडियो को और इस वीडियो को, दो वीडियो को मैं ले लेता हूँ अभी। दो वीडियो को लेने के बाद अब इसमें क्या है, मैं इसको पार्ट कट कर लेता हूँ 10 सेकंड के बाद, या 10 सेकंड 12 सेकंड जो भी है पार्ट को कट कर लेता हूँ ताकि दो तीन वीडियो रहेगा तो बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा। एक वीडियो हो गया, दो वीडियो मेरा अभी रेडी है। अब इसमें क्या करना है, ये तो बैकग्राउंड का वीडियो हो गया, आपका जो वीडियो उसको लाने के लिए क्या करना है, प्लस में चले जाना है। प्लस में जाने के बाद फ्रेंड आप लोग को वीडियो में चले जाना है, आपको ले चला जाएगा गैलरी में। गैलरी में आप चले जाएंगे, जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है अपना उसको यहाँ पर ले लेना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक वीडियो लेकर दिखाता हूँ जो ग्रीन स्क्रीन पे है, ये वीडियो मैं ले लिया। अब इसको फुल कर लेना है आप लोगों को, अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लेना है, देखिए बड़ा हो गया। अब इस वीडियो क्या करना है, देखिए ग्रीन स्क्रीन वीडियो, बैकग्राउंड का वीडियो दोनों आ गया। अब इसको मिलाने के लिए क्या करना है, इसी में एक दिया हुआ है क्रोमा करके, आप आगे जाएंगे तो क्रोमा की आता है काइन मास्टर में, इसमें क्रोमा लिखा हुआ है। क्रोमा आएंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा हटाएंगे तो देखिए बैकग्राउंड का वीडियो आ गया प्लस वाला। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इंसेंसिटी बढ़ा देना है, थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्लियरिटी बढ़ जाएगा। अब इसके बाद जैसे ओके करेंगे फ्रेंड, आपका ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया, आपने का जो वीडियो का बैकग्राउंड था इसमें आ गया। फ्रेंड इतना आसान है, देखिए इजी तरीके से बने बताया आपको। उसके बाद क्या करना है आपको कि जो वीडियो है इसको चला के चेक कर लीजिएगा, चलाएंगे देखिए वीडियो, जब चलाएंगे आपका वीडियो चलता रहेगा और उसके बाद से अलग अलग तरह के बैकग्राउंड इसमें जो भी आपने ऐड किया रहेगा आपका वीडियो के साथ मैच होता जाएगा। फ्रेंड आपका वीडियो बन के तैयार हो जाए तो उसके बाद क्या करना है आप लोग को, जिसके लिए आप लोग डाउनलोड बनाए हैं वीडियो, अभी टिकटॉक के लिए बनाए हैं 9x16 कर लीजिएगा, यूट्यूब के लिए 16x9 कर लीजिएगा, मतलब जो उसके लिए वीडियो बनाए हो कर लेना है। उसके बाद चले जाना है आपको एक्सपोर्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे जाके आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप वीडियो देखेंगे आपको बन के रेडी है, आप जिसके लिए बनाए हैं, यूट्यूब के लिए बनाए हैं, टिकटॉक के लिए बनाए हैं, चाहे इंस्टाग्राम के लिए बनाए हैं, आप वहाँ पे जाके आप इसको शेयर कर सकते हैं, चाहे अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड आपको चला के दिखाता हूँ जो वीडियो कैसा बना मेरा, आप लोग देखिए यहाँ पे लेके चलता हूँ गैलरी में चल के दिखाता हूँ वीडियो कैसा बना है मेरा। अब देखिए यहाँ पे वीडियो बन के आ गया है यहाँ पे, अब वीडियो यहाँ पे चला के दिखाता हूँ फ्रेंड। तो आप लोग भी ऐसे वीडियो आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड इजी तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे आते सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। फ्रेंड ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।